अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम और ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का यूनिट 4 है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें? डिफाइन स्केलेटल सिस्टम, डिस्कस द स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ बोन, लिस्ट द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, डिस्क्राइब द वेरियस मार्किंग्स ऑन द सरफेस ऑफ बोन्स, डिस्क्राइब द बोन्स ऑफ द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज और चेस्ट, पेक्टोरल गर्डल और अपर एक्सट्रीमिटीज, पेल्विक गर्डल एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। स्केलेटल सिस्टम डेफिनेशन। द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ बोन्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज विच प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन्स। द ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स 2006 बोन्स। स्केलेटल सिस्टम क्या है? एक फ्रेमर है कि जो कि बना हुआ होता है बोन्स से और कनेक्टिव टिश्यूज से, जो कि प्रोटेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को और इंटरनल ऑर्गन्स को, और 2006 बोन्स होती हैं। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द स्केलेटन। सी टर्मिनोलॉजीज हम लोग कुछ देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे हम इनकी इमेजेस भी देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सरफेस, द पार्ट ऑफ द बोन दैट एंटर्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट। सही, वो हिस्सा जो कि जॉइंट के फॉर्मेशन के अंदर जाता है। सेकेंड आर्टिकुलेशन, अ जॉइंट बिटवीन टू और मोर बोन्स। सही, जॉइंट होता है एक बोन के दो बोन्स के दरमियान, दो से ज़्यादा बोन्स के दरमियान जो जॉइंट होता है वो आर्टिकुलेशन कहलाता है। नंबर थर्ड बोनी साइनसेस, अ होलो कैविटी विद इन अ बोन, कोई भी कैविटी हो बोन के अंदर तो वो बोनी साइनस कहलाती है। नंबर फोर बॉर्डर, अ रिज ऑफ बोन सेपरेटिंग टू सर्फेसिस, जो कि दो सर्फेसिस को अलग करता है। नंबर फाइव कॉन्डाइल, अ स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ बोन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ जॉइंट, जो कि पार्ट ऑफ जॉइंट बनाता है। नंबर सिक्स फेसेट, अ स्मॉल जनरली रेदर फ्लैट आर्टिकुलेटिंग सरफेस। नंबर सेवन फोरामेन, जिसको प्लूरल फोरामिना कहा जाता है, जो कि होल इन अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर को एक होल होता है। नंबर एट फोसा, अ होलो और डिप्रेशन। नंबर नाइन मेटियस, अ ट्यूब शेप्ड कैविटी विद इन द बोन। से एक ट्यूब शेप कैविटी होती है बोन के अंदर। नंबर टेन सेप्टम, अ पार्टीशन सेपरेटिंग टू कैविटीज़, जो कि दो कैविटीज़ को सेपरेट करता है वो सेप्टम कहलाता है, जिस तरह हमारे नोज के अंदर। नंबर एलेवन स्पाइन, स्पाइनस प्रोसेस और चेस्ट, अ शेप रिज ऑफ बोन। से स्पाइनस प्रोसेस जो कि है शेप यही कि रिज ऑफ बोन होता है। नंबर ट्वेल्व स्टेलॉइड प्रोसेस, अ शेप डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ बोन दैट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल एंड लिगामेंट्स। से ये स्टेलॉइड प्रोसेस वो है कि प्रोजेक्शन देता है जो कि अटैचमेंट करवाता है मसल्स की एंड लिगामेंट्स की। नंबर थर्टीन सूचर, एन इमूवेबल जॉइंट, एक इमूवेबल जॉइंट है बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। नंबर फोर्टीन ट्रोकेंटर या ट्यूबरोसिटी और ट्यूबिकुलाई, रफ्ड बोनी प्रोजेक्शंस यूजली फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स और लिगामेंट्स, ट्रोकेंटर्स आर द लार्जेस्ट एंड ट्यूबरकल्स द स्मॉलेस्ट। आर्टिकुलेटिंग सरफेस, से ये आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। बोनी साइनसेस जो कि हॉलो कैविटी, फ्रंटल साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, ये मैक्सिलरी साइनस। बॉर्डर, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये बॉर्डर है जो कि सेपरेट कर रहा है। कॉन्डाइल, ये जो ब्लू मार्क किया हुआ है ये कॉन्डाइल कहलाता है जो कि जॉइंट के अंदर जाता है। फेसेट, से दो जॉइंट के दरमियान। फोरामेन, हॉलो कैविटी, ये ब्लू सर्कल हुआ हुआ है। फोसा, जो सर्कल हुआ हुआ है फ्लैट सरफेस, इसको फोसा कहा जाता है। मिएटस, ट्यूब लाइक ओपनिंग, ये जो सर्कल किया हुआ है ये एयर की हमारी ट्यूब लाइक ओपनिंग है। कैनाल, ट्यूब लाइक ओपनिंग, साइनसिस भी कैविटी और होलो स्पेस इन द बोन। सेप्टम, जो कि डिवाइड करता है इस हमारे लेफ्ट एंड राइट नोज को, बीच में से डिवाइड करता है नेजल सेप्टम। स्पाइनस प्रोसेस, अ लॉन्ग नैरो हिल टॉप माउंटेन रेंज। सही, एंटीरियर जो कि पोस्टीरियर स्पाइनस प्रोसेस, जो कि मैं स्पाइनल कॉर्ड का
पिछला हिस्सा होता है बैकवर्ड की तरफ, ये स्पाइनस प्रोसेस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये रेड वाला ट्रोकेंटर और ट्यूबोकॉसिटी से ट्रोकेंटर क्रेस्ट, ये रहा, ये जो मार्क किया हुआ है इसको येलो, ये इसकी नेक है और इसका हेड है, और लेसर ट्रोकेंटर और ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्रोकेंटर, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल में हम लोग देखते हैं कि उसमें कार्टिलेज, एपीफाइसिस ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा डायफाइसिस और नीचे का हिस्सा एपीफाइसिस। और जब बोन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आता है, रेड बोन मैरो, स्पंजी बोन होती है जिसके अंदर रेड बोन मैरो बनता है, उसके बाद आती है होलो कैविटी जो कि मेडुलरी कैविटी कहलाती है, उसके अंदर येलो बोन मैरो होता है, और कॉम्पैक्ट बोन होती है, पेरोस्टियम इसकी लेयर होती है। ग्रॉस एनाटॉमी, ऊपर वाला हिस्सा एपिफेसिस, नीचे वाला डायफेसिस और फिर नीचे वाला एपिफेसिस कहलाता है। इसमें क्या है कि डायफेसिस क्या है, और द शाफ्ट इज कम्पोज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड कवर्ड एंड प्रोटेक्ट बाय फाइब्रोसिस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरोस्टियम। एपिफेसिस क्या है, द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, ईच एपिफेसिस कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इंक्लोजिंग एन एरिया फिल्ड विद स्पंजी बोन आल्सो कॉल्ड कैंसेलस बोन। आर्टिकुलेटिंग सरफेस, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज क्या है, इस ग्लासी हाइलिन कार्टिलेज प्रोवाइड्स अ स्मूथ स्लिपरी सरफेस विच डिक्रीज फ्रिक्शन एट जॉइंट सरफेसेस, जो कि फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है जॉइंट सरफेसेस पर। ये आप देख सकते हैं वाइट कलर के, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। स्केलेटन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन आप देख सकते हैं जो कि रेड हुआ हुआ है, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटन जो कि रेड हुआ हुआ है। से द बोन्स ऑफ द एडल्ट स्केलेटल सिस्टम की अब हम लोग बोन्स देखते हैं, और देखते हैं कि इसमें कितनी बोन्स है। एक्सियल स्केलेटन से जो कि ब्लू मार्किंग हुई हुई है, इसमें पहले स्कल आता है, स्कल में हमारे पास क्रेनियम, फेस और हेड बोन और ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्रेनियम में हमारे पास एट बोन्स होती हैं, फेस में हमारे पास 14, हायोइड बोन एक होती है, ऑडिटरी ऑसिकल्स 6 होती हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती हैं। सी थोरेक्स में के अंदर एक स्टर्नम की होती है और 24 रिब्स होती हैं। इसी तरह टोटल हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल के अंदर क्लेविकल और स्केपुला दो दो बोन्स होती हैं। अपर लिम्स के अंदर दो ह्यूमरस, दो अल्ना, दो रेडियस, दो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, सही है। उसके बाद हमारा पेल्विक गर्डल कितनी होती है, दो होती हैं, सही है, जिसको कॉक्सल बोन भी कहा जाता है। लोअर लिम्स के बाद लिम्स में हमारे पास फीमर, पेटेला, फिबुला, टीबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस, सही है। नंबर ऑफ बोन्स 126 बोन्स हमारे पास होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और ये 80 प्लस 126 बनाते हैं 2006 बोन्स। टाइप्स ऑफ बोन्स, हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ बोन्स, 5 टाइप्स ऑफ बोन्स है। लॉन्ग बोन जो कि ह्यूमरस इसकी एग्जांपल है, सेकंड हमारे पास फ्लैट बोन जो कि स्टर्नम है, इरेगुलर बोन वर्टिब्रा की है, एंड सिस्मॉइड बोन पेटेला, और शॉर्ट बोन ट्रेपेजॉइड या रेस्ट बोन। टाइप्स ऑफ बोन्स इसमें देखते हैं कि हमारे पास फ्लैट बोन स्टर्नम की है, रेगुलर बोन वर्टिब्रा की है, सिस्मॉइड बोन पेटेला की है, शॉर्ट बोन क्यूनिफॉर्म्स की है, लॉन्ग बोन फीमर। टाइप्स ऑफ बोन्स, डिफाइन फ्लैट बोन, दीज बोन्स आर एक्सपेंडेड इनटू ब्रॉड फ्लैट प्लेट्स एज इन द क्रेनियम, द इलियम, पेल्विस, स्टर्नम एंड द रिब केज, सही के कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। Define long bone. Long bone क्या है, लॉन्ग बोन आर हार्ड डेंस बोन्स दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी। द थाई बोन फीमर इज अ लॉन्ग बोन, अ लॉन्ग बोन हैज अ शाफ्ट एंड टू एंड्स, लॉन्ग बोन का क्या होता है, एक शाफ्ट होता है उसके दो एंड्स होते हैं। डिफाइन शॉर्ट बोन, दोज बोन्स दैट आर एज वाइड एज दे आर लॉन्ग, देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी विद लिटल टू नो मूवमेंट, सही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स।
इरेगुलर बोन्स वेरी इन शेप एंड स्ट्रक्चर एंड देयर फोर डू नॉट फिट इन टू एनी अदर कैटेगरी फ्लैट शॉर्ट लॉन्ग और सिस्मॉइड. दे ऑफन हैव अ फेयरली कॉम्प्लेक्स शेप विच हेल्प प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल द वर्टीब्रा इरेगुलर शेप्स ऑफ द वर्टीब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. से इरेगुलर बोन्स वर्टीब्रा की होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को. सिस्मॉइड बोन, इट हैज़ नो शाफ्ट और एक्सट्रीमिटी एंड इज डाइवर्स इन शेप एंड साइज. फॉर एग्जाम्पल पैटेला बोन, जिसको नी कैप भी कहा जाता है. पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग बोन, से पार्ट्स ऑफ बोन कितने हैं? पहले प्रॉक्सिमल, डायफिसिस, प्रॉक्सिमल एपिफिसिस से जिसमें आर्टिकुलर कार्टिकुलेज स्पंजी बोन थी, और ये स्पेस कंटेनिंग रेड बोन मैरो. फिर एंडोस्टियम कॉम्पैक्ट बोन, मेडुलरी कैविटी येलो बोन मैरो, पेरिओस्टियम जो कि अपर लेयर है, और बीच में आता है डायफिसिस, और फिर लास्ट में आता है डिस्टल एपिफिसिस. पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन, डायफिसिस. डायफिसिस क्या है? सिलेंड्रिकल मेन पोर्शन ऑफ अ बोन मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, जो कि कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है और ये मेन पोर्शन होता है बोन का. सेकंड हमारे पास एपिफिसिस, इन लार्ज एंड्स ऑफ द बोन कंटेन्स स्पंजी बोन. नंबर थर्ड हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज, थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कवरिंग द एपिफिसिस रिड्यूस फ्रिक्शन एट जॉइंट्स. नंबर फोर पेरिओस्टियम, टफ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द बोन, जो कि बोन को सराउंड करके रखता है और ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है. मेडुलरी कैविटी, हॉलो स्पेस विद इन द डायफिसिस दैट कंटेन्स फैटी येलो बोन मैरो. नंबर सिक्स एंडोस्टियम, थिन मेम्ब्रेन दैट लाइंस द मेडुलरी कैविटी. मेटाफिसिस, मेटाफिसिस क्या है? द मेटाफिसिस इज द नैरो पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग बोन बिटवीन द एपिफिसिस एंड द डायफिसिस. इट कंटेन्स द ग्रोथ प्लेट, द पार्ट ऑफ द बोन दैट ग्रोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड. से वो ग्रोथ प्लेट कंट्रोल करता है मेटाफिसिस. मेटाफिसिस को आप देख सकते हैं, ये एपिफिसिस के नीचे, यहाँ से बोन बड़ी होती है, ग्रो करती है. ट्रेबिकुलाई, सीरीज और ग्रुप ऑफ बैंड्स और कॉलम्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग कैंसिलस बोन. सी जो कि कैंसिलस बोन बनाती हैं, ये इसको देखें ट्रेबिकुलाई. स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, कार्टिलेज सपोर्ट एंड्स ऑफ बोन करता है. एपिफेसियल प्लेट्स, ग्रोथ प्लेट्स जो कि कहलाती हैं. एपिफिसिस, टॉप एंड बॉटम सेक्शन ऑफ लॉन्ग बोन. डायफिसिस, लॉन्ग शाफ्ट ऑफ बोन. पेरिओस्टियम, आउटर लेयर ऑफ बोन. मेडुलरी कैविटी, ब्लड सेल्स एंड फैट स्टोरेज. कॉम्पैक्ट बोन, हार्ड बोन कहलाती है. कैंसिलस बोन, स्पंजी बोन. और हनी कॉम्ब अपेरेंस होती है इसकी. द फंक्शन ऑफ बोन, फंक्शन क्या है बोन्स का? फर्स्ट सपोर्ट करता है, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क देता है, सॉफ्ट टिश्यूज को सपोर्ट करता है, और प्रोवाइड पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स. और पॉइंट्स देता है या जगह प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए स्केलेटल मसल्स के लिए. सेकंड हमारा प्रोटेक्शन करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बाय स्केलेटन. एग्जांपल हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स. नंबर थर्ड मूवमेंट में मदद देता है. व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल ऑन बोन्स एंड प्रोड्यूस मूवमेंट. नंबर फोर मिनरल स्टोरेज, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म दैट डिपॉजिट्स एंड रिमूव कैल्शियम एंड फोरोसिस ऑन डिमांड. सी मिनरल स्टोरेज में मदद है. ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करता है. रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स आ प्रोसेस कॉल्ड हीमेटोपोएटिक. स्टोरेज ऑफ एनर्जी, येलो बोन मैरो स्टोर्स लिपिड्स एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी. सही स्टोर करता है येलो बोन मैरो को, जो कि लिपिड्स के होते हैं और ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी होती है हमारे पास. उसके बाद फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या है? पहले तो शेप देता है. फर्स्ट द स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट्स शेप विच चेंजेस विद ग्रोथ, जो कि ग्रोथ के साथ चेंज होती रहती है. नंबर सेकंड सपोर्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी के लिए सपोर्ट देता है. प्रोटेक्शन सराउंड सॉफ्ट टिश्यू को सराउंड करके रखता है. रिब्स एंड स्टर्नम प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स एंड स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. नंबर फोर मूवमेंट, द मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम वर्क टुगेदर एज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच एनेबल्स बॉडी मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी. व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल ऑन बोन्स ऑफ द स्केलेटन टू प्रोड्यूस मूवमेंट और होल्ड द बोन्स इन अ स्टेबल पोजिशन. नंबर फाइव मिनरल होमोस्टेसिस, स्टोर्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. मिनरल्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हेन नीडेड. से
मिनरल होमोस्टेसिस में क्या करता है कि कैल्शियम फॉस्फोरस को स्टोर करता है और उनको रिलीज करता है जब उनकी ज़रूरत होती है। नंबर 7, ब्लड सेल प्रोडक्शन। लार्जर बोन्स कंटेन बोन मैरो, अ स्पंजी टिश्यू इनसाइड द बोन्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बोन मैरो, रेड एंड येलो। रेड मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल द बॉडी रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड मेनी ऑफ इट्स वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट एन एवरेज रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन पर डे। दी सेल्स कैरी लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। येलो बोन मैरो कंटेन्स प्राइमरी फैट सेल्स। रेड सेल्स क्या होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के ज़्यादातर फंक्शंस में, और वाइट ब्लड सेल्स भी इसके अंदर कुछ आ जाते हैं। और जो कि येलो सेल्स हैं, येलो बोन मैरो क्या कंटेन करते हैं, प्राइमरी फैट सेल्स बनाता है। बोन मार्किंग्स, सरफेस फीचर्स ऑफ बोन मार्किंग, साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ फॉर मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होता है, कि जहाँ पर मसल्स अटैच होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स अटैच होते हैं। पैसेजेस फॉर नर्व एंड ब्लड वेसल्स, पैसेजेस बनते हैं नर्व्स के लिए और ब्लड वेसल्स के लिए। कैटेगरीज ऑफ बोन मार्किंग्स हमारे पास दो हैं, प्रोजेक्शंस और प्रोसेसेस, जो कि ग्रो आउट फ्रॉम द बोन सरफेस, जो कि ग्रो करता है बोन से, और डिप्रेशंस और कैविटीज, जो कि इंडेंटेशंस होते हैं। बोन सरफेस मार्किंग्स, प्रोजेक्शंस वेयर मसल टेंडन्स लिगामेंट्स अटैच, ठीक है, कहाँ पर अटैच होते हैं। फर्स्ट ट्यूबरोसिटी, लार्ज राउंडेड प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद है स्पाइनस प्रोसेस, जो कि और स्पाइन शार्प सिलेंडर पॉइंटेड प्रोजेक्शन होती है, कि जिससे शार्प प्रोजेक्शन होती है, यानी कि जो कि मदद देती है स्पाइन की। और ट्रोकेंटर हमारे पास ये रहा, वेरी लार्ज ब्लंट इरेगुलर शेप्ड प्रोजेक्शन होती है। क्रेस्ट, नैरो रिज ऑफ बोन, ये जगह इलिया क्रेस्ट है, ठीक है, नैरो रिज ऑफ बोन है। प्रोजेक्शंस दैट हेल्प टू फॉर्म जॉइंट्स, जो कि जॉइंट्स बनाने में हेल्प देते हैं। हेड, बोनी एक्सपेंशन एट द एंड ऑफ द लॉन्ग नेक से, जो भी लॉन्ग नेक पे एंड होता है वो हेड कहलाता है, जो कि हमारा फीमर का है, जो कि पेल्विक गर्डल के अंदर आता है। फेसेट, स्मूथ ऑलमोस्ट फ्लैट बोन, से फेसेट जो कि फ्लैट बोन। कॉन्डाइल का है, राउंडेड प्रोजेक्शन होता है, जैसा हमारा मैगजिला का ये। उसके बाद है रेमस, आर्म लाइक आर्म ऑफ बोन। बोन सरफेस मार्किंग्स, डिप्रेशन एंड ओपनिंग्स फॉर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स टू पास थ्रू। फोरामेन के जिससे पास होता है, राउंड और ओवल ओपनिंग इन अ बोन होता है, ये रहा फोरामेन। उसके बाद मीएटस, जो कि कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह का हमारा एयर कैनाल। उसके बाद फोसा, शेलो डिप्रेशन मोस्टली टू फॉर्म अ जॉइंट, ये फोसा जो के सर्वाइकल से कनेक्ट करता है। बोन्स ऑफ स्कल हमारे पास कौन सी हैं देख रहे हैं हम लोग, से 8 क्रीनियल बोन है हमारे पास। लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इथमॉइड हमारे पास एक है, स्फिनॉइड एक है, फ्रंटल एक है, पैराइटल दो हैं, टेम्पोरल दो हैं, ऑक्सीपिटल दो हैं। उसके बाद हमारे पास 14 फेशियल नर्व्स, मैंडेबल एक है, मैक्सिला दो है, इन्फीरियर नेजल कोंचा दो है, लैक्रिमल दो है, नेजल दो है, पैलेटाइन दो है, जाइगोमेटिक दो है, वोमर एक है, तो 14 फेशियल बोन्स है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं सूचर्स, तो सूचर्स भी हमारे पास 4 किस्म के हैं, कि जिसमें हमारे पास आता है पहला जो पैराइटल और पैराइटल के दरमियान होता है वो सजाइटल सूचर होता है, जो पैराइटल और फ्रंटल के दरमियान होता है वो कोरोनल सूचर होता है, और जो फ्रंटल और टेम्पोरल पैराइटल और टेम्पोरल के दरमियान होता है वो स्क्वैमसल सूचर होता है, और जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान होता है वो लैम्बडॉइडल सूचर होता है। बोन्स ऑफ वर्टीब्रल कॉलम, इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट बोन एंड सेकेंड बोन। फर्स्ट बोन की रहती है एटलस, जो कि C1 है, उसके बाद एक्सेस C2। उसके सर्वाइकल हमारे पास C1 से C7 तक है,
और फिर हमारे पास थोरेसिक जो कि T1 से T12 तक है, लंबर हमारे पास L1 से L5 तक, उसके बाद सैक्रम है जो कि 5 फ्यूज्ड बोन्स है से, तो इनके नाम आप याद कर लें, बोन्स ऑफ रिब केज और चेस्ट से, इसमें आप एंटीरियर व्यू ऑफ स्टर्नम, एंटीरियर व्यू स्केलेटन ऑफ थोरेक्स आप देख सकते हैं इसमें, बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड अपर एक्सट्रीमिटी, इसमें पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास क्लेविकल और स्कैपुला आ जाता है जो कि पेल्विक गर्डल पेक्टोरल गर्डल बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटीज इसकी जो कि हमारे पास ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजेस, बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज से, पेल्विक गर्डल में हमारे पास आती हैं सैक्रम, बेस ऑफ सैक्रम, इलियक फोसा, कोकेक्स से, प्यूबिक सिंफिसिस, और यहाँ हमारे पास ईलियम है, प्यूबिक आर्च से, तो इनको आप देख सकते हैं, बोन्स ऑफ द लोअर लिम, इसमें हमारा फीमर आ जाता है, पेटेला, नी कैप, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस, पहला डिफरेंस क्या है इसमें, जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे ब्लू सर्कल और यहाँ पे रेड सर्कल दिख रहा है, ये पेल्विक ब्रिम है, पेल्विक ब्रिम मेल की बड़ी होती है और यानी कि गोल होती है बिल्कुल, और फीमेल की अंडे शेप जैसी होती है, और प्यूबिक आर्च इसकी मेल की कम होती है और फीमेल की ज़्यादा होती है, ज़्यादा वाइड होती है। उसके बाद डिफरेंस देखते हैं कि बोन आर लाइटर थिनर से, फीमेल की जो बोन होती है वो लाइटर एंड थिनर होती हैं जबकि मेल की हैवियर और थिकर होती हैं, फॉल्स पेल्विस इज शैलो, फॉल्स पेल्विस जो कि फीमेल का होता है वो बहुत शैलो होता है और मैन का डीप होता है फॉल्स पेल्विस, उसके पेल्विक कैविटी इज़ वाइड एंड शैलो से, पेल्विक कैविटी फीमेल की वाइड एंड शैलो होती है, मेल की पेल्विक कैविटी नैरो एंड डीप होती है, फीमेल की पेल्विक इंक्लाइंड राउंड एंड ओवल होती है, पेल्विक की हार्ट शेप होती है या स्मॉलर होती है, फीमेल की पेल्विक आउटलेट कंपैरेटिवली लार्ज होती है एंड मेल की स्मॉल होती है, फीमेल की सब प्यूबिक एंगल लार्ज होता है जबकि मोर एक्यूट होता है, कम होता है उसका, फीमेल का कोकेक्स मोर फ्लेक्सिबल या स्ट्रेट होता है जबकि कोकेक्स लेस फ्लेक्सिबल मोर कर्व्ड होता है मेल का, फीमेल का इस्कियल ट्यूबरकुलोसाइटिस मोर एवर्टेड होता है जबकि मेल का इस्कियल ट्यूबरोसाइट्स लॉन्गर फेस मोर मीडियली। थैंक यू, होप यू लाइक इट।